एक और बड़ी खबर है, कोलकाता में आज टीएमसी की शहीद दिवस रैली है और टीएमसी की रैली में अखिलेश यादव भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन का टीएमसी जश्न मनाएगी। टीएमसी का मकसद इस रैली के जरिए देश भर में विपक्षी एकता को मजबूती देना है। टीएमसी 21 जुलाई को उन 13 समर्थकों की याद में शहीद दिवस मनाती है जो 1993 में राज्य सचिवालय रॉयटर्स बिल्डिंग तक मार्च निकाले जाने के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। तो आज शहीद दिवस रैली ममता बनर्जी की कोलकाता में है। और हमारे सहयोगी संदीप सरकार जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से ये शहीद दिवस रैली है, राजनैतिक तौर से और इंडिया गठबंधन के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, इंडिया गठबंधन के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सिर्फ जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम नहीं है। लोकसभा चुनाव में 29 सीटों के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद ये पहला जो पॉलिटिकल कार्यक्रम है तृणमूल कांग्रेस का, जिसमें आज अखिलेश यादव भी शामिल होने की संभावना है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो विशाल मंच बनाया गया है जिनमें तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद के बैठने की बंदोबस्त किया है। और आज जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या वार्ता देने वाले हैं ममता बनर्जी, वो देखने वाली बात है क्योंकि आज एक दो दिन में संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, उसके पहले आज अखिलेश यादव मौजूद रहने की संभावना है और तृणमूल कांग्रेस का सभी सांसद आज इधर मौजूद है। क्या ममता बनर्जी क्या कहने वाली है, इसके ऊपर सबका निगाह है। बिल्कुल, नजरें बनाए रखिएगा संदीप। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, बंगाल में शहीद दिवस रैली है, लेकिन ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत है, इसका संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी।